नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। मैं हूं स्मिथा सिंह। दोस्तों, बचपन से हम और आप किताबों में यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां किसान को अन्नदाता की संज्ञा दी जाती है। लेकिन बीते कुछ बरसों में देश के किसान की जो दयनीय तस्वीर उभर कर सामने आई है, उसके बाद ना सिर्फ किसान बल्कि कृषि का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। लेकिन किसान की इसी धूमिल होती छवि को, इस अस्तित्व को संजोए रखने के लिए अब सरकार हर दिन कुछ नया करने की कवायद में जुटी है, ताकि किसान की दोगुनी आमदनी के साथ साथ उसका टूटता विश्वास, खत्म होता साहस और खेती के प्रति उसकी रुचि वापस लौट सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए 11 योजनाओं की एक पूरी छतरी यानी हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कृषि से जुड़ी 11 अलग अलग योजनाओं के लिए अगले 3 वर्षों में केंद्र सरकार 33,269.76 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना की 11 कड़ियों में से पहली स्कीम है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH यानी एकीकृत बागवानी विकास मिशन, जिसके कामों के लिए 7,533.04 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इस योजना का उद्देश्य है बागवानी क्षेत्र का चौतरफा विकास, जिसमें बांस और नारियल भी शामिल हैं। इसके कामों में अनुसंधान, तकनीकी को बढ़ावा, विस्तारीकरण, फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन इत्यादि शामिल है। इसी योजना के तहत किसानों को FIG, FPO और FPC जैसे फार्मर्स ग्रुप से जोड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा बागवानी उत्पादन की उन्नति, किसानों की तादाद में बढ़ोतरी और आमदनी के लिए भी ये योजना काम करेगी। इस योजना के तहत उत्पाद गुणवत्ता, पौध सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई के प्रभावी उपयोग के जरिए उत्पादकता सुधारने की कोशिश की जाएगी। दूसरी योजना है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM, इंक्लूडिंग नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम NMOOP यानी तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इस योजना का उद्देश्य है गेहूं, चावल, दाल, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। इस योजना का एक और उद्देश्य है खाद्य तेलों की उपलब्धता को सुदृढ़ कर खाद्य तेलों के आयात को घटाना, जिसे सार्थक बनाने के लिए खर्च होंगे 6,893.38 करोड़ रुपए। तीसरी योजना है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA यानी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। इस योजना का उद्देश्य है कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फसल पद्धति को बढ़ावा देना, किसानों को पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, दुग्ध उत्पादन, कृषि वानिकी इत्यादि अपनाकर प्रणाली में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही उचित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी के मेलजोल से सतत कृषि को बढ़ावा देना। इस योजना के लिए केंद्र की ओर से 3,980.82 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी दी जाएगी। चौथी योजना है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन SMAE यानी कृषि विस्तार उपमिशन। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों आदि द्वारा संचालित विस्तार व्यवस्था को मजबूत बनाना, खाद्य और आहार सुरक्षा हासिल करना और किसान को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त करना। इस योजना के लिए सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे 2,961.26 करोड़ रुपए। पांचवी योजना है SMSP सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल यानी बीज तथा पौधरोपण सामग्री उपमिशन, जिसका उद्देश्य है प्रमाणित व गुणवत्ता संपन्न बीज के उत्पादन को बढ़ाना, बीजों की गुणवत्ता को उन्नत करना, बीज प्रजनन श्रृंखला को मजबूत बनाना और बीज उत्पादन के लिए नई टेक्नोलॉजी और तरीकों को प्रोत्साहित करना। इस योजना के कार्यों के लिए केंद्र सरकार 920.6 करोड़ का योगदान देगी। छठी योजना है SMAM सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन यानी
कृषि मशीनीकरण उपमिशन, जिसका उद्देश्य है छोटे मझोले किसानों तक कृषि मशीनीकरण पहुंच में बढ़ोतरी करना, उन क्षेत्रों में कृषि मशीनों का विस्तार करना जहां कृषि कार्यों के लिए बिजली की कमी है। ऐसे तमाम कार्यों के लिए योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। सातवीं योजना है SMPPQ यानी सबमिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन, यानी पौध संरक्षण और पौधों के अलगाव पर उपमिशन। इस योजना का उद्देश्य है रोगों, कीटों और खरपतवारों से कृषि फसलों और उनकी गुणवत्ता को होने वाले नुकसान को घटाना, जिसके लिए केंद्र सरकार 1,022.67 करोड़ की राशि खर्च करेगी। आठवीं योजना का नाम है कृषि गणना, अर्थव्यवस्थाएं तथा सांख्यिकी पर एकीकृत योजना, यानी इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसेस इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि गणना करना, जिसके तहत मुख्य फसलों की उपज और लागत का अध्ययन करना, देश की कृषि आर्थिक परेशानियों पर अध्ययन करना और फसल रोपने से लेकर फसल काटे जाने तक की स्थिति की सूचना प्रणाली बनाना इस योजना के कार्यों में शामिल है, जिसके लिए 730.58 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की ओर से तय की गई है। हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना की 11 स्कीम्स में नौवीं योजना का नाम है ISAC यानी इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, यानी कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना। इस योजना के तहत सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, कृषि विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण आदि के सुधार के लिए भी ये योजना काम करेगी। इस योजना के तहत कपास उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने और विकेंद्रीकृत बुनकरों के लिए उचित दरों पर गुणवत्ता वाली रुई आपूर्ति सुनिश्चित कराने पर भी जोर दिया जाएगा। इस योजना के लिए 1,902.636 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। दसवीं योजना है ISAM यानी इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कृषि विपणन पर एकीकृत योजना। इस योजना का उद्देश्य है विपणन संरचना को विकसित करना, इसके अलावा राष्ट्रव्यापी विपणन सूचना नेटवर्क स्थापित करना और कृषि सामग्रियों के अखिल भारतीय व्यापार के लिए साझा ऑनलाइन बाजार प्लेटफॉर्म के जरिए बाजारों को एकीकृत करने का काम इसी योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना के लिए 3,863.93 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना की आखिरी और 11वीं योजना है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान यानी NEGPA, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस। इस योजना का उद्देश्य है विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत किसानों और किसान केंद्रित सेवाओं को लाना, विस्तार सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना और पूरे फसल चक्र में सूचनाओं और सेवाओं तक किसानों की सेवाओं में सुधार करना। इस योजना के लिए 211.06 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। कुल मिलाकर हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना नाम की इस अम्ब्रेला योजना का मूल उद्देश्य है उत्पादन लागत में कमी करके संरचना में सुधार लाना और कृषि संबंधी तमाम जानकारियों को समय रहते किसानों तक पहुंचाना, ताकि अच्छी गुणवत्ता युक्त फसल की पैदावार को बढ़ाया जा सके, जिससे कृषि क्षेत्र में तमाम खामियों को खूबियों में तब्दील कर देश के किसान की स्थिति को सुदृढ़ कर कृषि की आय को साल 2022 तक दुगना किया जा सके। तो ये थी अम्ब्रेला योजना, जिसके बारे में विस्तार से आज हमने आपको जानकारी दी। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे पर जानकारियों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।